नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जीवन में जब कुछ लोग काम करते हैं अपने व्यवसाय में या फिर व्यवसाय से इतर जीवन में जो भी कर्म करते हैं, तो उनके मन में ये एक भाव होता है कि हमारा कर्म जो है जीवन में अच्छा बना रहे। और कुछ लोग अच्छे बुरे की फिक्र किए बिना, उनको पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता कि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल बुरा नतीजा बाद में आ सकता है, तो कैसे भी जीवन में चलते रहते हैं। कर्म का कारक ग्रह कौन होता है? शनि होता है। तो शनि महाराज यह बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से कर्मों को करेंगे, क्या जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें नोबेलिटी बना के रखेंगे, उदारता बनी रहेगी, या फिर बस जीते जाएंगे, किसी भी प्रकार से अपना काम और लाभ सिद्ध करते जाएंगे, उसमें न्याय दया परोपकार की भावना रहेगी कि नहीं रहेगी, यह शनि से पता चलता। दूसरा, शनि से यह पता चलेगा कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उस काम को क्या आप सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं या आपका काम करने का जो तरीका है, जो ट्रैक है, वो गड़बड़ है। तो यानी काम एक तो होता है, काम करेंगे मंजिल पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि सही ट्रैक पे आपका प्रयास होना चाहिए। क्या आपको बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर इतनी समझ प्रकृति ने दी हुई है कि आप जो काम करेंगे उसको सही ट्रैक पे ले जा पाएंगे? जैसे पहले देखिए, नोकिया मोबाइल आती थी, समय बदला और उसका ज़माना चला गया, क्योंकि वह हमेशा जो है अपने पुराने चीज़ों को अपडेट नहीं की। तो अपने कार्य क्षेत्र में हो गया, अपने कर्मों में, क्या आप समय के अनुसार सही ट्रैक पे जा पाएंगे कि नहीं, यह शनि महाराज बताते हैं। क्योंकि शनि किसके ग्रह हैं? कर्म कारक शनि ही हैं, क्योंकि कर्म और न्याय का घनिष्ठ संबंध है। एक व्यवसायिक कर्म की सिर्फ बात नहीं, ओवरऑल पूरे जीवन के कर्मों की बात हो रही है। जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही न्याय आपके साथ चलता रहता है, तो इसीलिए शनि न्याय के ग्रह और कर्म पर नज़र रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। और यह बात इससे भी सिद्ध हो जाएगी, शनि को तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि मिली हुई है। तो शनि की जो दसवीं दृष्टि है, यह क्यों मिली है इनको, कि शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, आपके कर्मों पर नज़र रखने का काम इनका है। और कर्म का भाव कौन सा होता है? दशम भाव होता है। इसीलिए शनि से दशम भाव आपके कर्मों के तरीके को दिखाएगा और शनि महाराज नज़र रख करके आपके कर्मों के हिसाब से आपके साथ न्याय करते हैं। तो अगर आप यह जानना चाहें, चाहे व्यवसायिक रूप से या अन्य किसी भी प्रकार से, कि आप जो प्रयास करते हैं, इफर्ट लगा रहे हैं, वह सही दिशा में लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, सही ट्रैक पे आप प्रयास करते हैं कि बस काम कर देते हैं, तरीका नहीं सही है, जो आप प्रयास कर रहे हैं उसका मेहनत आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये सब शनि से दशम भाव से पता चलेगा। कुंडली में आपके शनि महाराज जिस किसी भी भाव में बैठे हों, पहले आपको उसे देखना है कि कुंडली में शनि महाराज कहाँ हैं। शनि महाराज से दशम भाव को काउंट कर लीजिए। तो अगर शनि छठे में है तो दशम भाव कौन सा होगा? यह भाव दशम होगा। शनि से जो भी दशम भाव होगा वहाँ पर शनि की दसवीं दृष्टि भी रहने वाली है। तो आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज कि दसवीं दृष्टि जहाँ पर जा रही है, दशम भाव शनि से दशम भाव भी वही होगा, या फिर ऐसे जान लीजिए जहाँ से शनि की दसवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है कुंडली में, उस भाव को काउंट कर लीजिए, वही भाव आपके जीवन में सफलता का मूल मंत्र लेकर के बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, दसवीं दृष्टि, तो सफलता का मूल मंत्र चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव किसका है? परिवार का है।
परिवार को साथ ले करके आप अपने जीवन में अपने कर्मों में सफल होंगे। तीसरे में है तो तीसरा किसका है, भाइयों का है। भाइयों के साथ से आप सफल होंगे या भाइयों के प्रति आप सही रवैया अपना करके सफल होंगे। तीसरा भाव पड़ोसियों का है, उनके प्रति न्यायमान रह करके ही आप सफल होंगे। ये तो पहली बात हुई कि शनि की दृष्टि, दसवीं दृष्टि जिस भाव पर है उस भाव के प्रति अपने कर्मों को सुधार करके उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने व्यवसाय आदि में जोड़ करके आप सही ट्रैक पर जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़, कुंडली से जुड़े हुए कुछ विश्लेषण पर आ जाते हैं। शनि महाराज जहाँ भी हैं वहाँ से दसवें घर को देख रहे हैं, तो शनि जहाँ है वहाँ से जो दसवां घर है, अगर वहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठा होगा तो समय समय पर आप कुछ ना कुछ अटपटी हरकतें कर जाएंगे। थोड़े दिन ठीक ठाक करेंगे, फिर बीच बीच में कुछ गलत कर्म हो जाएंगे, अटपटा हो जाएगा, जिससे थोड़े दिनों के लिए बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए यहाँ पर अगर नीच का ग्रह बैठा है शनि से दसम में, तो उसके लिए कुछ रेमेडी वगैरह करना चाहिए, वह आपको कुछ गलत कर्म करवा सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई स्वराशि का ग्रह बैठा हुआ है शनि से दसम भाव में, या उच्च का ग्रह बैठेगा, या फिर मित्र राशि का ग्रह बैठेगा, या फिर शत्रु राशि का ग्रह बैठेगा, या फिर नीच, इतने कंडीशन बनेंगे। तो अगर शनि से दसम भाव में स्वराशि का ग्रह बैठा हुआ है तो आप अपने जीवन में कर्म स्वयं करेंगे, स्वयं पे भरोसा करेंगे और बहुत आराम से चलेंगे, जल्दबाजी उतावलेपन से नहीं चलेंगे। वहीं अगर शनि से दसम में उच्च का ग्रह होगा तो आपके जीवन में पराक्रम बढ़ जाएगा, कामकाज कर्मों को लेकर के ऊंचे ख्वाब वाले रहेंगे, अति महत्वाकांक्षी रहेंगे अपने कामकाज के मामले में, और थोड़ा सा हाइट को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी में रहेंगे और खुद को बड़े लोगों के साथ कंपटीशन में देखना चाहेंगे। भले ही आपका व्यवसाय अभी शुरू होने वाला हो, अभी आप योजनाएं बनाए हो, लेकिन आप अपना कंपटीटर उन्हीं बड़े लोगों को ही मान करके चलेंगे। शनि से दसम में अगर कोई ग्रह बैठा है वह मित्र राशि में है, तो आप आराम से अपनी आजीविका चलाएंगे, आराम से शौक पूरे करेंगे। ज़्यादा आपका फोकस ना तो बहुत ऊंचाई पर जाने का है, ना बहुत नीचे का सोचते हैं, सिर्फ आप इतना सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चले, घर गाड़ी जो है अपनी आराम से पटरी पर रहे, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, और ये सब होता हुआ चलेगा। शनि से दसम में कोई शत्रु ग्रह बैठा होगा, शत्रु राशि में स्थित ग्रह या नीच राशि में स्थित ग्रह बैठा होगा, तो यह आपको हमेशा तकलीफ देगा। आपके कार्यों में, आपके कर्मों में अनिश्चितताएं रहेंगी। आप हमेशा सही ट्रैक पे अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों को हमेशा एक सही ट्रैक पर नहीं रख पाते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं, जाएंगे करने कुछ और करेंगे कुछ, भेजा गया है बिजनेस टूर के लिए आपको और आप करने लगेंगे कोई दूसरा ही काम, अपने पर्सनल कार्यों में उलझ जाएंगे, शॉपिंग में व्यस्त हो जाएंगे। मतलब क्या है कि आपके पास 8 घंटे थे, 2 घंटे आपने काम किया, 2 घंटे अन्य चीज़ों में आपने बिता दिए। तो ये अगर शनि से दसम भाव पीड़ित हो रहा है तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहेगी कि जिस काम के लिए जब जहाँ जैसे उपलब्ध होना है उसी काम के लिए ही उपलब्ध होइए, एक साथ कई तरबूज हाथ में पकड़ने का प्रयास ना करिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर शनि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से तो दसम भाव पर वो दृष्टि डालेंगे ही, शनि महाराज यहाँ पर हैं तो दसम क्या होता है, शनि से दसम कर्म का, और शनि अपनी दसवीं दृष्टि से वहाँ का मुआयना करेंगे, नज़र डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, शनि की दसवीं दृष्टि जिस भाव पर है उन भावों से कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से टूल का विचार होता है, उसका कभी भी दुरुपयोग ना करिएगा, उसी के सदुपयोग से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे शनि यहाँ है तो ये दसम भाव बना, चतुर्थ से हम गाड़ी देखते हैं,
तो आपके व्यवसाय में गाड़ियों का बहुत महत्व पूर्ण योगदान हो सकता है। फैमिली देखते हैं, चतुर्थ भाव से पब्लिक देखते हैं, जनता को देखते हैं, इन सारी चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इन सारी चीज़ों का मिस यूज या अपमान मत करिएगा अगर आपको सफल होना है। अब ग्रहों के होने का भी असर होता है। अगर शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से दशम में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, तो आप ऐसे कर्मों में इंगेज होइए जहां आप खुद मालिक बन सकें, आप अथॉरिटी में हो। सूर्य अगर शनि से दशम में बैठा हुआ है तो शासन, सत्ता और जो राजनीतिक लोग हैं उनसे लाभ मिल सकता है, उनसे लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं भी काम करें तो वहां पर मालिक बन के काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, अगर यही सूर्य पीड़ित होगा, मान लीजिए यही सूर्य है नीच का है, शत्रु राशि में है, तो यह इंडिकेशन दे रहा है कि आप जिस काम में होंगे, जहां नेतृत्व, सूर्य किस चीज का ग्रह है, नेतृत्व का है। अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है शनि से दशम में, अगर ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव का स्वामी कौन है उसे ले लीजिएगा। जैसे अगर दशम भाव में ग्रह नहीं है, शनि से दशम में ग्रह नहीं है लेकिन दशम का स्वामी सूर्य है, तो भी यही बात लागू होगी। एक अभी जब देखिए, मैं शनि से दशम में सभी ग्रहों को बता रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध कौन सा बैठा हुआ है, तो कुछ लोगों का सवाल होगा कि कोई ग्रह नहीं बैठा है तब क्या देखें, तब भाव के स्वामी की स्थिति को देखिएगा, फलादेश यही रहेगा। अगर सूर्य शनि से दशम में बैठा हो या दशम का स्वामी है और वह नीच या शत्रु राशि में नहीं है, तो आप जो भी काम करेंगे वहाँ नेतृत्व करके ही आप सफल हो पाएंगे। आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उसी से आपको सफलता मिलेगी। सूर्य पीड़ित होगा तो आप यह समझ जाइएगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पर लीडरशिप में आपके कमी आ रही है, या फिर शासन प्रशासन की तरफ से परेशानियाँ आ रही हैं, उनको सही करिएगा। अगर चंद्रमा शनि से दशम भाव में बैठा है या दशम भाव का स्वामी है, तो आप जो है अपने व्यवसाय में अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं से अगर चंद्रमा अच्छा है तो भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, लोगों से कनेक्ट होने का जो तरीका है वह आपको सफलता दिलाएगा। अगर वहीं चंद्रमा शनि से दशम में बैठा हो या स्वामी हो और पीड़ित हो, तो भावनाओं के कारण से ही नुकसान होगा। लोगों से ज़्यादा जुड़ने के कारण से, पर्सनल होने के कारण से नुकसान होगा। वहीं अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो लोगों से जुड़ने के कारण से, आपके जो भावनाएं, फीलिंग्स हैं, उन चीज़ों के कारण से आपको लाभ होगा। यानी जहां शनि से दशम में जो भी ग्रह बैठा हुआ है या शनि से दशम भाव का जो ग्रह स्वामी है, उसी से जुड़ी हुई चीज़ों के कारण से आपके कर्मों में अच्छाई या बुराई आ सकती है। शनि से दशम में अगर मंगल बैठा हुआ है या शनि से दशम भाव का स्वामी मंगल है और वह पीड़ित नहीं है, तो यकीन मानिए कि जो भी आपका काम काज है उसमें आपकी फुर्ती, एक्टिवनेस, शारीरिक बल, यह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपको सफलता दिलाने में निभाएगा। यानी आपके जो सफलता का चाबी होगा वह आपका शारीरिक एक्टिवनेस होगा। वहीं अगर मंगल शनि से दशम का स्वामी है या दशम भाव में बैठा है और पीड़ित हो रहा है, तो कमी कहाँ आएगी, किस चीज़ के कारण से अवरोध उत्पन्न होगा, आपके शरीर के कारण से, थके थके से रहेंगे, शरीर में दर्द रह सकता है, अन्य सारी इन्हीं प्रकार की चीज़ों के कारण से, या भाइयों के कारण से, मंगल भाई का कारक है, मंगल जिन चीज़ों का कारक है उन्हीं चीज़ों के कारण से या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ग्रह पीड़ित होगा तो बुरा होगा, ग्रह अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि से दशम भाव में बुध बैठा हो या बुध स्वामी हो, तो बुध क्या है, बुद्धि है, तर्क है। आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपको व्यवसाय में खूब ऊंचाई पर, आपके कर्मों में आपकी बुद्धि
जो है विशेष भूमिका निभा रही है। बुद्धि के बल पे आप आगे जाएंगे। अगर बुध अच्छा है तो, वहीं अगर बुध पीड़ित है तो मान लीजिए कि आपकी बुद्धि, बुद्धि मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज को कैसे सोच रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं चीजों में, तर्क जो होता है, एनालिसिस की जो क्षमता होती है वो वीक हो रही है आपकी। शनि से दशम में बुध है और अच्छा है तो एनालिसिस, विश्लेषण करना किसी चीज का, आउटपुट निकालना विश्लेषण करके, ये आपकी ताकत है। उसी ताकत के बल पे आप आगे बढ़ेंगे। बुध पीड़ित हुआ तो यही आपकी कमजोर कड़ी है। अगर शनि से दशम में गुरु बैठा हुआ है या गुरु स्वामी है और पीड़ित नहीं है तो ज्ञान आपका जो है आपकी ताकत बनेगा। कर्म क्षेत्र में, कार्यों में ज्ञान आपकी ताकत बनेगा। गुरु पीड़ित होगा तो फिर उसी ज्ञान का दुरुपयोग हो जाएगा, सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ज्ञान को। जो भी ग्रह शनि से दशम में है या दशम का स्वामी है, अगर वह नीच नहीं है, अस्त नहीं है, पाप कर्तरी में नहीं है, विष्णु मांस में नहीं है, तो उसी ग्रह के जो कारकत्व तो है वही आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। शनि से दशम में गुरु है या गुरु स्वामी है और गुरु पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो विद्वान लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनके ज्ञान का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनकी बातें आपको बकवास लगती होंगी, तो इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। शनि से दशम में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र वैभव का ग्रह होता है, या शनि से दशम का स्वामी शुक्र है तो वैभव हो गया, शुक्र से स्त्री देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पत्नी का साथ लेना चाहिए और पत्नी के विचारों को अपनाना चाहिए, सलाह को लेना चाहिए। यह आपके व्यवसाय में, आपके कर्म क्षेत्र में सुधार कर सकता है। शुक्र क्या है? वैभव का ग्रह है। शुक्र यह बताएगा कि अगर शनि से दशम में है कि आप जीवन को वैभवशाली बना सकते हैं अगर आप दिखावटीपन से बच जाएं। यानी दिखावटीपन से आपको बचना है, आपको भीतर से मजबूत होना है, बाहर से मजबूत नहीं दिखने का प्रयास करना। वहीं आप अपने चरित्र के बल को, शुक्र चरित्र का कारक है, शनि से दशम में शुक्र है तो आप जाने रहिएगा कि चरित्र का बल लेकर के चलिएगा। शुक्र अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं चरित्र का बल गड़बड़ होगा और वही जो है आगे चल के समस्याएं उत्पन्न करेगा। शनि से दशम में अगर शुक्र होता है तो एक चीज इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है कि व्यक्ति जितना समय अपने काम को देता है उतनी ही तरक्की करता। कुछ लोगों का तो देखिए जीवन ऐसा होता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम है, कोई नौकरी कर रहा है, 6 घंटे 8 घंटे किया फिर घर गया। लेकिन अगर उसमें आप कितनी भी मेहनत करेंगे, जब साल 2 साल बीतेगा तभी इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह जो कुछ आना है आएगा, मेहनत का लाभ तो मिलेगा, पद मिलेगा। लेकिन व्यवसाय के मामले में अगर शुक्र शनि से दशम में है तो अगर आपकी आमदनी 50,000 की है, उसे आप 1,00,000 करना चाहते हैं तो आप अपने काम पे समय बढ़ा दीजिए। जहाँ 4 घंटे काम कर रहे हैं, जब आप 8 घंटे काम कर देंगे तो समय अपने आप बढ़ जाएगा। काम करने का मतलब एक्टिव रहें, सक्रिय रहें व्यवसाय में। अगर शनि से दशम में राहु है, शनि से दशम में केतु बैठा हुआ है तो समझ लीजिएगा शनि से दशम में राहु के होने से आपको झूठ और प्रपंची लोगों से बचना होगा। केतु अगर है तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जैसे केतु अनासक्ति का ग्रह है, डिटैचमेंट का है, शनि से दशम में केतु बैठा हुआ है तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं होना है, हमेशा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली स्थिति रखनी है। और अगर राहु बैठा हुआ है तो आपको इंगेजमेंट खूब रखना है, लोगों से खूब इंगेज होना है, सबसे दोस्ती, सबसे बैर नहीं, बैर करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर शनि से दशम में राहु है तो सबसे दोस्ती रखिए, माया जाल जितना फैला सकते हैं सबके साथ में फैला के रखिए। वहीं केतु है तो सबके साथ डिटैच होकर के ही आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। शनि जहाँ भी बैठे हैं उससे जो दशम भाव है, अगर वह भाव पीड़ित हो रहा है किसी भी कारण से, कोई भी ग्रह यहाँ पर है पीड़ित है, ग्रह नहीं है तो भाव के स्वामी को देख लेंगे, अगर शनि से दशम भाव पीड़ित हो रहा होगा
तो आप यह समझिएगा कि उसी पीड़ित ग्रह को सही करना है, उसके बाद जो आपके काम का तरीका होगा, जो लाइन अप बनेगा, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरी चीज, शनि जहाँ बैठे हैं, अगर उससे दशम भाव में कोई शुभ ग्रह होगा या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, तो आप यह यकीन मानिए, प्रयास के बाद सफलता इंतजार कर रही है। यानी कि नदी के एक छोर पर है, नाव चलाना है, दूसरे छोर पे सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर शनि से दशम में कोई शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, तो यह बहुत अच्छा कंडीशन होता है, मेहनत के बाद सफलता मिलने की गारंटी होती है। हालांकि 2 से 2.5 साल किसी एक साल में आपको झेलना पड़ेगा। क्यों 2 से 2.5 साल ही? क्योंकि शनि का एक टर्म जो होता है राशि का, वो 2.5 साल का होता है। 2 साल बाद आपको स्वाद आ जाएगा और 2.5 साल बाद आप सफल हो जाएंगे। अगर शनि से दशम भाव में कोई क्रूर ग्रह होगा या क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी, एक होता है ना कि क्या होता है कि आदमी ने बिजनेस सेटअप कर लिया, बहुत मेहनत किया, अथाह मेहनत किया, तनाव टेंशन सब कुछ लिया, एक बार सेटअप कर लिया, फिर बैठ के आराम से बिजनेस चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे लोग भी हैं, सेटअप कर लिए, बना लिए, लेकिन उसके बाद भी बैठ के नहीं खाना है, वो मेहनत वाला सिलसिला उनका हमेशा जारी रहेगा। जब शनि से दशम में क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा, शनि की तो एक तो खुद की दृष्टि आएगी ही, यानी शनि मेहनत कराएगा, सबसे कराएगा, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर हो, लेकिन शुरू में मेहनत अधिक करके बाद में रिलैक्स का टाइम मिल जाएगा कुछ। यह स्थिति होती है जब शनि से दशम पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो। अगर शनि से दशम में क्रूर ग्रह का ही प्रभाव है, तो ऑल वेदर आपको मेहनत ही करनी है। दूसरा, अगर एक शुभ ग्रह है एक क्रूर ग्रह है, तो दोनों स्थितियां आएंगी, कभी आराम कर लेंगे, यानी कुछ दिन बैठ के भी आराम से काम चलेगा, कभी कभी फिर ज़्यादा मेहनत, यानी कुछ सीजन ऐसे आएंगे जब ज़्यादा आपके पास में इफर्ट करने का अवसर होगा, कुछ ऐसा आएगा कि इफर्ट कम भी करेंगे और तब भी चलेगा, फिर इफर्ट का नंबर आएगा, फिर आराम से बैठने का नंबर आएगा। तो इस प्रकार से शनि के माध्यम से आप अपने कर्मों को, शनि से दशम भाव को देख करके कुछ अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारने और बनाने का एनालिसिस कर सकते हैं।